हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपल मोहित सिंधव। और आज हम पानी पूरी का पानी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए पुदीना के पत्ते, नमक, धनिया पत्ते और काला नमक, नींबू का जूस, हरी मिर्च दो और जिंजर एक छोटा सा एक इंच जितना। ये सारे चीज़ों को हम लोग मिक्सर ग्राइंडर की जार में हम लोग भर लेंगे। नमक मैंने एक छोटा चम्मच लिया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने एक नींबू काटा है, उसका जूस लिया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, खट्टा मीठा आपको जो भी पसंद हो वो। और मिक्सर ग्राइंडर का जार हम बंद करके उसे अच्छे से थोड़ा ज़्यादा क्रश करना है। वो मिक्सर में अच्छे से सब इंग्रेडिएंट्स है वो ग्राइंड हो जाए, उसके बाद हम लोग उसमें पानी डाल देंगे। मैंने 400 ml जितना पानी लिया है, क्योंकि मैं और मोहित हम दोनों के लिए इतना बराबर है और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप उसको चख के देख लीजिए, अगर आपको कुछ खट्टा या थोड़ा सॉल्ट उसमें डालने की ज़रूरत हो तो आप उसमें डाल सकते हैं। अब हम पानी पूरी का मसाला कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये बॉइल्ड पोटैटोस और काला चना, जो मैंने 4 से 5 घंटे के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के भिगो के रख दिए थे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे हम प्रेशर कुकर में, और कुकर का लीड हम बंद करके उसे स्टोव पे ऑन करके हम लोग उसको पका लेंगे। हमें 4 विसल लगानी है। पोटैटोस है वो थोड़े ज़्यादा बॉईल होने चाहिए, क्योंकि हमें उसको मैश करना है, अगर वो कच्चे रह जाएंगे तो वो मैश अच्छे से नहीं हो पाएंगे। अब हम प्रेशर कुकर है उसका जो प्रेशर है वो निकाल देंगे, और उसका टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा होने देंगे, नहीं तो हम लोग जल सकते हैं। ये मैंने 2 ऑनियंस लिए हैं मसाला के लिए, उसका ऊपर का छिलके निकाल दे, और उसका येलो पार्ट है वो भी हम निकाल देंगे ऑनियंस के। अब हम सारे पोटैटोस है उसके छिलके निकाल देंगे। ऑनियन से हम लोग फ्रिज में रख देंगे उसके छिलके निकाल के, ताकि हमारी आंखों से पानी ना निकले जब हम उसको काटते हो। और एक मेशर लेके हम लोग सारे पोटैटोस थे उसको हम लोग क्रश कर लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब हम उसमें काले चने हैं जो बॉइल्ड है वो भी उसमें ऐड कर देंगे, उसमें सॉल्ट डाल देंगे 1 चम्मच जितना, कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे 1 कप जितना, काला नमक डालेंगे, उससे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप उसमें आदू मिर्चा की पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो, मैंने नहीं डाला है। ये फ्रीज़र में मैंने जो ऑनियंस है वो रखे थे वो हम लोग उस मसाले में काट लेंगे। अब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे। अब हम उसे ढक के रख देंगे, जब हमें पानी पूरी सर्व करनी हो तब हम उसे पूरी में डाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।